पिछले जो है 2.5 महीना की गर्भवती के बाद इनका प्रेमी जो है लगातार प्रेशर पे प्रेशर बना रहा है कि तुम एबॉर्शन करवा लो, दवा खा लो, आखिर हम मामला क्या है, इन सभी चीजों को बताएंगे, इनसे हम खुद जानते हैं आखिर क्या मामला है आपका। थोड़ा जोर से बोलिए। दवाई खाने के लिए तो बोले नहीं, दवा नहीं खाए। काहे दवा खाने की बात हो रही है? बोलू बाद में देखल जाते, ऐसे गांव घर लोग कभी हमरा बोलू हंसत, हम कहली हंसते कहती हम ना खाए, हमरा कुछ हो। प्रेम करने में शर्म नहीं लगा और बच्चा यदि ठहर गया, गर्भवती हो गए तो अब शर्म लग रहा है? हाँ बोलू खा ले बोला, परसों रात में बोल रहे थे, वैसे पहले यहाँ रह रहे थे इससे पहले, बोले नहीं ना खाएंगे दवाई, तो बोलू मारबो पिटबो एक मार दे छू बच्चा के, हम कहली बच्चा के कौन दुश्मनी हवे, कौन बच्चा को कह रहा मार देखियो वाला बेटी के, जो बेटी साथ में लाए हुए हैं। कितना बच्चा है आपके पास? चार गो। चार गो में से कितना लेके आए? एक गो ले आए, तीन गो कहाँ छोड़ दिए? अपना दाज बाबा के पास। कहा है उसको पालने में पीड़ा नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? तो फिर कैसे भूल गए उस पीड़ा को? आपके बच्चा को यदि कोई मार दिया होगा, दूसरा बच्चा तो उससे झगड़ गए होंगे, आज दूसरे किसी के सहारे आप उस बच्चे को छोड़ करके आ गए हैं। छोड़ा दिया ना, बोल कौन छोड़ा दिया? नहीं जाएंगे इस रोज, बोल रहे थे बोलो छोड़ सबके माया ओकरा पर न रहत रहा, हम रखबो फलना, बहुत लोग का है आपका पति बनिया नहीं है थी ना, तो इतना दिन से थे कैसे? और ये सलमान खान हो गया, ये बहुत सुंदर है, तो ज्यादा पैसा है इसके पास? पैसा तो हम ही लोग का ले लिया, ले ले के पूंजी लगा लिया, दुकान बना लिया, बोला तो बोले हमरा दे ले छे, हम ना जने छे ना कर छे, आधार कार्ड। अच्छा अब वो पैसा कौन सा धाएगा, अब वो लोन कौन सा धाएगा? वो सधाएगी, मोबाइल भी ले लिया है आपका। हाँ अब कौन सा धाएगा वो लोन? वो सधाएगी, सरोज ले ले, वो है तो सधाएगी कौन? अच्छा सधाएगी, हाँ यही लोग ले ले। अभी आपके पास में क्या समस्या है और प्रेम कैसे हो गया, पहले ये बताइए प्रेम कैसे हो गया उससे, आपसे आधा उम्र का लड़का है वो? आधा मर तो उनको तो बोल रहे थे, बोले तो आप शादी, हम सब शादी शुदा छी, हमारा तीन गो चार को धिया पोता भी, हमारा टेंशन हाथ छोड़ दो, चाहे अपन दोसर से बतियाओ, तो ना हम तोरे से बात करबे, हम तोरे लेके रह, हम कुमार लड़के से ब्याह ना करबे, हम कहे ना लोग हमारा कहते कहते कुछ ना कहते, 2-3 साल के बाद ही बाहर से लेके अब चल, यहाँ से लेके गए तो 8 दिन रख ले। कहाँ ले गया यहाँ से? बम्बई। अच्छा 8 दिन रखला के बाद मम्मी से अपना भाई से भौजा से सबसे बात करते करते यहाँ लेके चल अलग, तब 20 दिन सैदपुर में चुरा के रख लगा, चुरा लगा बाद फिर मतारी के नैहर लेके चल गए, वहाँ से होते होते बात हो गई यहाँ लेके अलग, 8 दिन 10 दिन रख लग, रात बिरात मारबो करती थी। कहे मारता कहे था? मतलब कोई बात बोल रहे थे, बोलो ना करो ना करो, और बात ना करते तय के लिए। अच्छा हाँ तो बोले हमारे बात करा ना करते, तो उनको कैसे दवाई खा लेते, कुछ होता तो हम क्या करते, केकरा से करवाते कोई काम? कहे पति था, पति को फोन करते, पति तो आप लोग का जो है ना बैंक बैलेंस है ना, वो कुछ हो जाएगा फिर पति के यहाँ चले जाइएगा, जितना दिन समय काटना है इधर काटिए, यही ना है? नहीं पति तो रखिए लगा ना? नहीं रखेंगे, अब नहीं बोले नहीं रखेंगे। अच्छा अब आप क्या चाह रहे हैं? पति तो आपका प्रेमी जो है यहाँ कितना दिन पहले छोड़ के चला गया? 11 दिन आज हो गया। 11 दिन में क्या दिन आया है भेंट करने? आज एक दिन आज आया है। हाँ। इस पिछला 10 दिन में क्या खा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, अगल बगल के पड़ोसी मतलब मांग के खा रहे हैं, ऐसा समय घट गया? पति के यहाँ जब थे कितना दिन मांग के खाए थे? कभी नहीं, ऐसा समय आया था? इतना प्रेम करता है प्रेमी कि आपको मांग करके खाने पड़ता है? लड़का बोल रहे थे बोलो मैम खाली भौजाई के समय ना करवा दे, से मजबूर हो गई सब तो अपना घरे चल जाओ। हाँ। रखे ला ना तेरे तो केना ओकरा घरे चल जाओ। अच्छा अब कह रहा है कि तुम अपना घरे चल जाओ? हाँ से हमारे भौजाई कही ओकरा न रहे ला, कहाँ छी सुतल तो अलगे छी, ना छी ना छी, 10 रंग के बाद। हाँ। 1 बजे 12 बजे गए तखनी ओकर निंद्र, तखनी ओकरा फोन कर के पता लगेलक। आप क्या चाहते हैं अब? नहीं रहेंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन ये तो छोड़ दिए ना, आपको रखने के लिए तैयार नहीं है? ये रखने के लिए तैयार कर, इनको घर के खाली भौजा या भाभी, या को भाभी के से भाभी सैदपुर के। हाँ। वो इतना कर रहा है, वो कहे कुछ करेगा, उसको क्या जरूरत है? हाँ, उसे पूछ करके प्रेम किया था? कोई आदमी बोल रहा था कि सैदपुर में है कन्या जा दिया बा। सुनिए ना, आपसे जो प्रेम किया तो अपने भाभी से पूछा? उनका भाभी के सामने में बोले थे या लेके गए थे, यहाँ भाभी से पूछ ले रही। हाँ। तो लड़का कुछ नहीं बोला, तो भाभी खाली बोल रहा था हाँ के नाच नाच तोरा, हाँ के तोरा नाच नाच तोरा, कैसे का लेके जाबो मरवा देबो कटवा देबो, देखिए तोरा की करबो, कभी तो सपना में ना देखिए से कर हो सके छी, इनको सरोजनी बोल रहे थे ऐसे बात। अच्छा तभी उनको लेके वहाँ से आ गए थे, आधा घंटा रही या फिर उनके दरवाजा पर से चल गए। इसके लिए आप थाना को भी आवेदन दिए हैं? हाँ क्या कहा थाना वाला?
थाना पर 2 दिन गया तो फिर पैसा के बोले थे पैसा आगे फेंकिए तब कोई काम होगा। कौन कहा ये बात पैसा आगे फेंकिए? थाने के लोग बोल रहा कहाँ फेंकना है पैसा, तो हम कहाँ से लाके फेंकेंगे? नहीं फेंकना कहाँ है पैसा? कहीं ना गए भी नहीं, क्यों नहीं गए उसके बाद? नहीं आवेदन देने के बाद नहीं गए? 2 दिन गए थे तो एक दिन आए थे पुलिस आई थी उनके घर पे तो दोनों भाई नहीं मिला, छुप गया था। अच्छा ये जो आवेदन दिए हैं उसके बाद में पति आया आपसे मिलने के लिए? नहीं। तो प्रेमी? प्रेमी नहीं कभी नहीं, आज आया है। आज आया है? देखा है ना? हाँ। तब आया है। अच्छा इतना होने के बावजूद भी यदि आपका पति यदि आपको रखने को तैयार हो जाए तो क्या कीजिएगा? पति नहीं रखेगा, पति के ताके समाज है, कैसे हम इनको अमानत लेकर उनको पति पर हम कैसे थोप देंगे, उनको पर नहीं जाएंगे हम। नहीं यदि रखने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या कीजिए? तैयारी नहीं है, आप एक बार फोन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। आप करके देखे हैं? नहीं मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, हम पति से करते, मोबाइल लेके चल गया। तो आप तय कर लिए किसी के साथ रहना है? हाँ, अगर ये नहीं रखा तो कैसे नहीं रखेगा? रखेगा। हाँ लड़का तो रखने के लिए तैयार है, खाली इनको घर के भाभी, घर के लोग सब नहीं तैयार? घर के भाभी या वो भाभी, दोनों भाई। दोस्तों तो ये इनका कहानी है, आप समझ सकते हैं कि पहले तो इनसे इनके नाम पर लोन इकट्ठा करवा करके अपने दुकान में पूंजी लगवाता है, उसके बाद इनको बहला फुसला करके मुंबई ले जाता है। यानी पिछले 3 महीना से उसको एकदम से घुमा रहा है, और घुमाने के बाद में जब उसका जी भर जाता है तो यहाँ ला करके छोड़ दिया, और यहाँ ला करके छोड़ दिया। अब कहता है कि अब हमको भाभी मना करती है, भैया मना करते हैं, घर के परिवार के लोग मना करते हैं, इससे अच्छा होगा तू अपना घर चले जाओ। बाकी ये इनको अब क्या करना चाहिए, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और ये भी लिखे कि इनको करना क्या चाहिए, क्या ये अपने पति और बच्चे को छोड़ करके अच्छा किए, या फिर अब जो इनके साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। धन्यवाद।